नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल होता क्या है और कैसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलीनोमियल होता क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो ये होता है क्या, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, इसका मीनिंग है कि पी ऑफ एक्स का मीनिंग है पॉलीनोमियल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है एक्स। ठीक है, तो इसलिए पी ऑफ एक्स लिखा है, ये बेसिकली डिनोट करते हैं, पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है इसका वन है, जो वेरिएबल हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज वन। ठीक है, तो इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। जब भी तुम्हें फाइंड आउट करना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो तुम्हें क्या करना होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तुम्हें जस्ट इक्वेट करना है, कोई भी पी ऑफ एक्स यहाँ पे है तो इक्वेट इट टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि पी ऑफ एक्स मैंने मेरे को एक पॉलिनोमियल मिल गया जिसमें वेरिएबल एक्स है। अब यहाँ पे एक्स प्लस फाइव को मैं क्या करूँगा, जो भी पॉलिनोमियल मिला है तुम्हें उसको इक्वेट कर दो ज़ीरो से। अब इक्वेट करने के बाद यहाँ से हमें क्या निकलेगा, एक्स का वैल्यू निकलेगा। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव। तो एक्स का वैल्यू माइनस फाइव आ गया, इसका मीनिंग क्या है, ये है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब और दूसरे वर्ड्स में हम बोल सकते हैं रूट, ठीक है, रूट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक्स इक्वल टू माइनस फाइव आ गया, मतलब ये क्या है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब चलो एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसे मैं इस वैल्यू को एक्स को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस इक्वेशन में जो भी हमने फाइंड आउट किया, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस फाइव मेरा क्या है, पी ऑफ एक्स है। अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स का वैल्यू कितना मिला, माइनस फाइव, तो क्या मिलेगा, माइनस फाइव प्लस फाइव कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या है, जो भी तुम्हारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है वो तुम जो भी है एक्स इक्वल जो भी वैल्यू आ रहा है, अगर हम वापस हम उससे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा। एक बार रिपीट करता हूँ, देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, जैसे हमें फाइंड आउट करना है ज़ीरो पॉलिनोमियल, तुम्हें क्या करना है, जो भी गिवन है पी ऑफ एक्स हमें क्या करना है, उसको इक्वेट कर दो ज़ीरो से। ज़ीरो से करने के बाद तुम्हें एक्स का वैल्यू मिलेगा जो कि है माइनस फाइव इसके हिसाब से। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू मुझे मिल गया माइनस फाइव। अब माइनस फाइव को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा पी ऑफ एक्स में, देखो पी ऑफ एक्स एक्स प्लस फाइव है, इसमें मैं एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा ज़ीरो। मतलब कि पी ओ एक्स क्या बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है। मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया फिर, मतलब कि पी ओ एक्स इक्वल टू ज़ीरो तुम वेरीफाई कर सकते हो आंसर ऐसे। तो अगर तुम्हें डाउट आ रहा है कि एक्स का वैल्यू करेक्ट है कि नहीं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो पी ओ एक्स में, दैट्स इट। ठीक है, अगर एक और डाउट आ रहा होगा वो है, अभी हम लीनियर के लिए कर रहे हैं ना, सपोज आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव, अब क्या करेंगे हम, तो इसके लिए बहुत सारे अदर मेथड्स है जो कि तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, सॉल्यूशन सब निकालना है, ग्राफ सब बनाना है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, वो सब हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हमें सोचना है। ठीक है, मतलब लीनियर ही ज़्यादातर देंगे वो है एक्स, थ्री एक्स प्लस फाइव आ गया सपोज, तो तुम क्या करोगे, इसको इक्वेट कर देना ज़ीरो से, तुम्हारा वैल्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई थ्री आएगा, है ना। तो ये हमारा ये हो गया जीरो पॉलिनोमियल। ये हम अगर वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक है। तो यही है बेसिकली जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे ही फाइंड आउट करना है तुम्हें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जस्ट तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेट करना है इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है।